नमस्कार, फ्रंटियर आईएएस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूँ श्रुति और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है इंडियन पेंटिंग्स। इसके प्रीवियस लेक्चर्स में भी हम लोगों ने इंडियन पेंटिंग्स के अलग अलग टाइप के बारे में बात की थी। हम लोगों ने मिनिएचर पेंटिंग डिस्कस किया, म्यूरल पेंटिंग के बारे में बात की, जो राजस्थानी और पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग है उसके बारे में हम लोगों ने बातें की, कंपनी पेंटिंग के बारे में बात की, और आज हम लोग बात करेंगे फोक पेंटिंग्स ऑफ इंडिया की। जिस प्रकार हर एक रीजन का और भारत के अलग अलग पार्ट्स का अपना खुद का डांस फॉर्म है, अपना खुद का म्यूजिक है, जिसे हम लोग फोक डांस और फोक म्यूजिक के तौर पर जानते हैं, उसी प्रकार भारत के अलग अलग रीजन्स की एक खुद की पेंटिंग स्टाइल है, जिसे हम लोग फोक पेंटिंग के नाम से जानते हैं। ये अलग अलग फोक पेंटिंग्स कौन कौन सी हैं, उसके क्या क्या प्रोमिनेंट फीचर है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फोक पेंटिंग्स जो इंडिया की हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार है: मधुबनी पेंटिंग, पटचित्र, पटुआ आर्ट, कालीघाट पेंटिंग, पेतकार पेंटिंग, कमलकारी पेंटिंग, वर्ली पेंटिंग, थांका पेंटिंग एंड मंजूसा पेंटिंग। इन सभी पेंटिंग के बारे में हम लोग बारी बारी से बात करेंगे और सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे मधुबनी पेंटिंग से। मधुबनी पेंटिंग जो है वो आपका बिहार में एक जगह है, एक जिला है मधुबनी। वहाँ की जो महिलाएं हैं उस गांव की, वो लोग ट्रेडिशनली पारंपरिक तौर पे इस पेंटिंग को किया करती हैं। और मधुबनी पेंटिंग को कई बार मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है। तो अगर मधुबनी पेंटिंग सुने या मिथिला पेंटिंग सुने तो दोनों का मतलब एक ही है। क्योंकि बिहार के आसपास आप देखोगे, अगर बिहार का मैप और इंडिया में, तो आप देखोगे कि बिहार और नेपाल काफी सटा सटा है। तो चूंकि ये आर्ट बिहार के इस मधुबनी जिले में है, तो उससे जो एडजॉइनिंग पार्ट्स है ना, तराई रीजन है जो नेपाल का, वहां तक भी ये आर्ट एक्सटेंड होता है और वहां के भी लोग कुछ हद तक इस मधुबनी पेंटिंग को जानते हैं। ये जो पेंटिंग्स है इसके थीम्स जो है वो यूजुअली जो आपके रिलीजियस मोटिव्स हैं, जैसे कि हिंदू देवी देवता हैं, जैसे भगवान कृष्ण हो गए, राम हो गए, दुर्गा माँ हो गई, लक्ष्मी माँ, शिव जी, तो उन सभी को जनरली मधुबनी पेंटिंग्स के जरिए दिखाने की कोशिश की जाती है। और पेंटिंग सबसे ज्यादा जो हिंदू धर्म के जो रिलीजियस मोटिव्स है ना, उस पर आधारित होता है। अब इस पेंटिंग में जो अलग अलग फिगर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, उन सभी का एक सिंबॉलिक मतलब होता है। जैसे अगर मछली को दिखाया गया है तो मछली सौभाग्य का प्रतीक होती है, फर्टिलिटी का प्रतीक होती है, ठीक है। और इस पेंटिंग को कब बनाया जाता है, तो जब कभी भी कोई बहुत ही शुभ अवसर होता है, जैसे किसी का जन्म हो गया या फिर किसी की शादी होने वाली है या फिर कोई विवाह त्योहार, तब उसके मौके पर मधुबनी पेंटिंग्स को बनाया जाता है। इसके अलावा आप देखोगे अगर मधुबनी पेंटिंग को, तो आप पाओगे कि उसमें गैप्स जो होते हैं वो बिल्कुल नहीं होते हैं। और जहाँ कहीं पे भी अगर पेंटिंग में गैप हो भी जाते हैं ना, तो उसको फ्लावर्स के जरिए या ट्रीज वगैरह बना करके, एनिमल्स वगैरह बना करके उस गैप को फुलफिल करने की कोशिश की जाती है। शुरू में क्या होता था कि जो ये पेंटिंग्स है ना, उसको दीवारों पर बनाया जाता था। और किसकी मदद से, तो राइस का पेस्ट लिया जाता था और वेजिटेबल कलर्स लिया जाता था। पहले जो आपकी दीवारें होती थी ना, उसपे गोबर और जो मिट्टी थी उसका एक पेस्ट बेस तैयार किया जाता था, फिर राइस पेस्ट और वेजिटेबल कलर की मदद से इन पेंटिंग्स को ड्रॉ किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय में बदला, तो मधुबनी पेंटिंग्स को बनाने का तरीका वो भी बदल गया। और पहले जो दीवारों पर इसको बनाया जाता था, अब इसे हैंडमेड पेपर, कपड़े पर, कैनवास, इन सब चीजों पर बनाया जाने लगा। लेकिन पहले भी नेचुरल कलर का इस्तेमाल होता था इन पेंटिंग्स को बनाने के लिए, और अभी भी नेचुरल कलर्स का ही इस्तेमाल होता है। आप देखोगे कि मधुबनी पेंटिंग में किसी भी प्रकार की शेडिंग का इस्तेमाल नहीं होता है। शेडिंग का इस्तेमाल करने से क्या होता है, तो उसमें एक 3D इफेक्ट आता है। लेकिन चूंकि मधुबनी पेंटिंग में शेडिंग का कोई कंसेप्ट नहीं है, इसीलिए मधुबनी पेंटिंग कम्प्लीटली 2-dimensional पेंटिंग है। और इसके फीचर्स क्या क्या है, कैसे आपको पता चलेगा कि हाँ ये जो पेंटिंग है मधुबनी पेंटिंग है कि नहीं, तो आप पाएंगे कि मधुबनी पेंटिंग में जो भी बॉर्डर होते हैं ना, तो वो डबल लाइन होते हैं, एक सिंगल लाइन है। अगर कोई भी लाइन खींची गई है, बॉर्डर है, तो उसको दो दो लाइन होगा, ठीक है। फिर कलर्स का बहुत बोल्ड यूज देखने को मिलता है। जो आपके पैटर्न्स होते हैं बहुत ज्यादा फ्लोरल है, पत्तियां वगैरह बहुत ज्यादा बनी होती है, और जो फेस वगैरह अगर ड्रॉ होता है ना, तो उसके फीचर्स काफी एग्जैगरेटेड होते हैं। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है मधुबनी पेंटिंग्स की। आगे बात करते हैं कि अब सवाल उठता है कि मधुबनी पेंटिंग की शुरुआत कैसे हुई। तो ऐसा माना जाता है कि रामायण का जो पीरियड था, उस समय मिथिला नरेश, मिथिला के जो राजा थे, उन्होंने अपने देशवासियों को, अपने राज्य के वासियों को बोला कि वो अपने घर की दीवारें और अपने घर के जो छत फ्लोर वगैरह है उसको पेंट करें। किसके किस अवसर पे, तो राम भगवान और सीता माँ का विवाह के अवसर पे, उसके उपलक्ष्य पे उन्होंने कहा कि आप सभी अपने घर को सजाइए, उसे पेंट कीजिए।
और लोग ऐसा मानते हैं कि अगर वो अपने घरों पर मधुबनी पेंटिंग मिथिला पेंटिंग बनाते हैं तो भगवान देवता उनसे प्रसन्न होते हैं और उन्हें ब्लेस करते हैं। और चूंकि ट्रेडिशनली ये फीमेल बनाती थी, मधुबनी जो जगह है वहाँ की ट्रेडिशनल आर्ट है, और ये किस तरह से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास हुआ, तो माँ से बेटी ने सीखा, बेटी से उसकी बेटी ने सीखा, और इस तरह से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ये मधुबनी पेंटिंग की जो स्किल है वो आपकी पास ऑन हुई। 1970 में इस आर्ट को, इस कला को रिकॉग्निशन मिला। कब? जब भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जगदम्बा देवी, जो कि जितवारपुर विलेज की थी, उन्हें मधुबनी पेंटिंग के लिए जब उन्हें सम्मानित किया गया, तब इस पेंटिंग ने सभी लोगों का ध्यान आकर्षित किया और तब जाकर के लोग इस पेंटिंग के बारे में जानने लगे। और आज पूरे विश्व में मधुबनी पेंटिंग बहुत फेमस है और लोग इसके बारे में बहुत बात करते हैं। जो दूसरे, एक तो उन्हें उनके थ्रू एक नाम आया, लोग इसके बारे में बातें करने लगे, लोग मधुबनी पेंटिंग के बारे में देखने लगे, जानने लगे। और भी कुछ बहुत ही प्रसिद्ध लोग जो कि मधुबनी पेंटिंग से जुड़े हुए हैं, उनका नाम है बउआ देवी, भट्टी दयाल, गंगा देवी, सीता देवी, ये सारे के सारे बहुत ही मशहूर मधुबनी पेंटिंग के आर्टिस्ट हैं। और आप देखोगे कि ये जो मधुबनी पेंटिंग्स है, ये एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया तक ही चुकी सीमित है, मधुबनी क्षेत्र में ही इसको बनाया जाता है, इसीलिए मधुबनी क्षेत्र का इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस दिया गया है। ये आपका एक मधुबनी पेंटिंग का एक टिपिकल उदाहरण है। आप देख सकते हो कि गैप बिल्कुल न के बराबर है और बहुत सारे फ्लोरल पैटर्न इस्तेमाल किए गए हैं, ये ड्रॉ किया गया है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बात की सबसे पहले फोक पेंटिंग की इंडिया की, जो कि मधुबनी पेंटिंग है। मधुबनी पेंटिंग के बाद अब हम लोग बात करेंगे पटचित्र की। ये कहाँ की ट्रेडिशनल पेंटिंग है? तो ये उड़ीसा की एक ट्रेडिशनल पेंटिंग है। अब पटचित्र, ये जैसा इसका नाम है, ये नाम कहाँ से आया? तो पटचित्र जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक संस्कृत शब्द पट से मिलकर बना है और दूसरा चित्र, जिसका मतलब होता है पिक्चर। पट का मतलब होता है कैनवास, कपड़ा, जिसपे की पेंटिंग को ड्रॉ करना है, और चित्र का मतलब होता है पिक्चर, ठीक है। तो ये जो पेंटिंग्स है इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि क्लासिकल और फोक एलिमेंट्स, दोनों के दोनों का मिश्रण आपको देखने को मिलता है। और आप ये पाएंगे कि जो फोक एलिमेंट्स है, यानी वहां के जो लोकल एलिमेंट्स है, उसको ज्यादातर पटचित्र में शामिल किया जाता है। जो बेस होता है ना पेंटिंग का, वो एक ट्रीटेड क्लोथ होता है, यानी पहले क्लोथ वगैरह को अच्छे से उसके ऊपर पेस्ट वेस्ट लगा करके उसे तैयार किया जाता है। उसके बाद जो नेचुरल सोर्सेस है, नेचुरल कलर है, जो ऑब्टेन किया जाता है कोकोनट शेल को जला करके, हिंगूला, रामराज, लैम्प ब्लैक, इन सब जगह से कलर्स को बनाया जाता है। फिर ये कलर एक बार जब बन जाते हैं, इसकी मदद से फिर पटचित्र जो है उसका निर्माण किया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, किसी भी प्रकार का पेंसिल या चारकोल का इस्तेमाल नहीं होता है पटचित्र को क्रिएट करने के लिए। इसके ठीक उलट ब्रश का इस्तेमाल किया जाता है आउटलाइन वगैरह को ड्रॉ करने के लिए। और आउटलाइन किस कलर में ड्रॉ होता है? तो लाल रंग में या फिर येलो कलर में। और उसके बाद एक बार जब आउटलाइन क्रिएट हो जाता है ब्रश वगैरह की मदद से, उसके बाद फिर कलर को फिल किया जाता है। ये पटचित्र बनाने का एक बेसिक तरीका है जो कि फॉलो होता है। आगे अगर हम लोग बात करें पटचित्र की, तो आप देखेंगे कि जो इसका बैकग्राउंड होता है ना, उसको बहुत सारे पत्तियों से, बहुत सारे फूलों से डेकोरेट किया जाता है। और जो पेंटिंग्स है ना, उसका काम बहुत ही फ्रेम वर्क होता है, मतलब उसका जो फ्रेम होता है ना, बहुत ही इंटीग्रिटी और बहुत ही खूबसूरती से उसे तैयार किया जाता है। एक बार जब फाइनल लाइन तैयार हो जाता है, यानी पूरी पेंटिंग जब बन के तैयार हो जाती है, तो आपकी पेंटिंग दिखने में बहुत खूबसूरत हो, बहुत ग्लॉसी फिनिश आए, इसके लिए उसके ऊपर लैकर की एक कोटिंग चढ़ा दी जाती है, ताकि ओवरऑल चमकीला लुक हो और बहुत ही अट्रैक्टिव दिखे। अब इस जो पटचित्र है, इसका थीम क्या होता है, किस चीज पे आधारित ये पेंटिंग्स होती है? तो ये जो पेंटिंग्स है वो आपके जगन्नाथ और वैष्णव पंथ से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है। कभी कभी जो शक्ति और शैव पंथ है उससे भी इंस्पिरेशन लेकर के पटचित्र पेंटिंग का निर्माण किया जाता है। और उड़ीसा का एक में एक जगह है जिसे हम लोग कहते हैं रघुराजपुर, वो इस पटचित्र के लिए काफी ज्यादा फेमस है। वहां पे बहुत सारे पटचित्र के कलाकार हैं और वहां पर पटचित्रों का निर्माण किया जाता है। पटचित्र पेंटिंग में जो इमेजेस को डिपेक्ट किया जाता है, वो आप देखेंगे कि उस स्टेट के जो पुराने म्यूरल्स थे, जो कि वॉल पेंटिंग्स पे बनाए जाते थे, और जैसे कि आप पूरी वगैरह में, जो कोणार्क वगैरह में अगर आप देखोगे, तो उससे काफी मिलता जुलता आपको देखने को मिलेगा। पटचित्र में जो इमेजेस है वो उससे काफी मिलती जुलती है। इसके अलावा पटचित्र जो कि पाम लीफ पे बनता है, यानी ताड़ के पत्तों पर जो पटचित्र का निर्माण किया जाता है, उसे ताल पटचित्र कहते हैं, ठीक है। नॉर्मल पटचित्र वो कपड़े पे बनाया जाता है, जिसको कि पहले ट्रीट किया जाता था, उसके ऊपर कोई बेस वेस लगा के उसे तैयार किया जाता है।
लेकिन अगर पटचित्र आपके पाम लीफ यानी ताड़ के पत्तों को जोड़ जोड़ कर उसको अगर तैयार करके तब उस पर पटचित्र का निर्माण किया जाता है तो वो पटचित्र कहलाती है ताल पटचित्र। और आप देखोगे कि जब एक बार पाम ट्रीज की जो लीव्स है वो अच्छे से ड्राई हो जाएंगे और उसके बाद फिर उन्हें क्या किया जाता है, तो सिया जाता है ताकि वो एक कैनवास का निर्माण करते हैं और फिर ब्लैक या फिर व्हाइट इंक की मदद से उसके ऊपर इमेजेस को ड्रॉ किया जाता है। कई बार अगर आपकी सुपर इम्पोजिंग लेयर है तो एक दूसरे के ऊपर ग्लू किया जाता है और अगर थोड़े थोड़े एरिया छोड़ दिए जाते हैं ताकि आपके छोटे छोटे विंडो का काम करे और एक लेयर के नीचे दूसरी जो इमेज है वो रिवील हो सके, वो देख पाए। ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है पटचित्र का। और ये याद रखिएगा, ये उड़ीसा का एक ट्रेडिशनल पेंटिंग है, वहां की एक शैली है और रघुराजपुर जो जगह है उड़ीसा में वो काफी ज्यादा फेमस है पटचित्र के निर्माण के लिए। पटचित्र के बाद हम लोग बात करेंगे एक दूसरे फॉर्म की, और ये दूसरा आर्ट है उसे हम लोग कहते हैं पटुआ आर्ट यानी कि पटुआ कला। ये कहाँ की कला है, तो ये बंगाल की कला है और आप देखोगे कि आज की कोई कला नहीं है बल्कि हजारों साल पहले से बंगाल के लोग इस पटुआ आर्ट को प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि कैसे इसकी शुरुआत हुई, तो एक विलेज का गांव का एक ट्रेडिशन था जिसमें कि लोग जो है वो मंगल काव्य यानी कि देवी देवताओं की कहानियां सुनाते थे, और कैसे सुनाते थे तो पेंटिंग्स वगैरह के जरिए यानी कि पेंटिंग्स तैयार कर लेते थे और ये पेंटर्स फिर इस पेंटिंग की मदद से मंगल काव्य या भगवान वगैरह की कहानी सुनाया करते थे। ये पेंटिंग शुरू में आप देखोगे ना कि पटुआ आर्ट आपके बड़े बड़े स्क्रॉल पे की जाती थी और बहुत जनरेशन तक ये जो स्क्रॉल पेंटर्स थे या पटुआ जो थे वो एक गांव से दूसरे गांव पे जाते थे और अपनी जो स्टोरीज है वो गाते थे। ठीक है, इसी मतलब पेंटिंग दिखा दिखा के और स्टोरीज जो है उसके साथ गाते थे और बदले में वो खाना या पैसा जो भी था वो मांगते थे। ठीक है, तो आप देखोगे याद रखना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बंगाल का आर्ट है, दूसरा ये स्क्रॉल आर्ट है यानी कि एक बड़े से स्क्रॉल के ऊपर बनाया जाता है। और इसकी शुरुआत इस प्रकार हुई कि शुरू में जो पेंटर्स हैं इस स्क्रॉल को दिखा दिखा के लोगों के बीच में कहानी सुनाते थे देवी देवताओं की और बदले में उनसे पैसे या फिर खाना वाना जो भी है वो लेते थे। और इन्हीं स्क्रॉल पेंटर्स को हम लोग पटुआ कहते हैं और उनके द्वारा जो तैयार किया जाता था इसे हम लोग पटुआ आर्ट कहते थे। शुरुआत में हम लोग देखेंगे कि ये जो है वो पेंट किए जाते थे कपड़े के ऊपर और इनका मेन उद्देश्य होता था रिलीजियस धार्मिक कथाओं को सुनाने के लिए। ठीक है, कि वो पेंटिंग्स दिखा दिखा के और उसके साथ साथ गाते थे और कहानी सुनाते थे। लेकिन वर्तमान समय में इसको शीट पे भी ड्रॉ किया जाने लगा, एक पेपर वेपर पे भी ड्रॉ किया जाने लगा और बहुत सारे पेपर को आपस में स्वी करके उसको सेल करके और उस पर ड्रॉ किया जाने लगा और इसको बनाने के लिए पोस्टर कलर वगैरह का भी इस्तेमाल होने लगा। तो अब तो बनाने का भी एक तरह से पैटर्न चेंज हो गया है कि बहुत सारे लोग पहले ट्रेडिशनल तरीके से भी बनाते हैं लेकिन आजकल पोस्टर पेंट की मदद से और पेपर के शीट पे भी बनने लगा है और इसका इस्तेमाल अब रिलीजियस के जगह पे सोशल या फिर पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में अपने व्यूज रखने के लिए या कुछ कमेंट करने के लिए इस कला का इस्तेमाल होने लगा है। ज्यादातर जो पटुआज है यानी कि जो स्क्रॉल पेंटर्स है वो इस स्टेट यानी बंगाल के मिदनापुर जिले से आते हैं, जबकि जो लोग खुद को चित्रकार कहते हैं वो 24 परगना और जो बिरहम डिस्ट्रिक्ट है वहां से वो बिलोंग करते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है पटुआ आर्ट का। तो पटुआ आर्ट के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया, अब पटुआ आर्ट के बाद हम लोग बात करते हैं अलग फोक आर्ट की, फोक बेसिकली फोक पेंटिंग की, जो है कालीघाट पेंटिंग। तो कालीघाट पेंटिंग क्या है, तो कलकत्ता का जो 19th सेंचुरी में अर्बन सोसाइटी में जो धीरे धीरे बदलाव आ रहा था उसके फलस्वरूप कालीघाट पेंटिंग का जन्म हुआ या उसकी स्टार्टिंग हुई। कालीघाट पेंटिंग उन लोगों के द्वारा बनाया जाता था जो कि कलकत्ता, जिस समय ब्रिटिश कैपिटल हुआ करता था एक टाइम में, आपको पता है कलकत्ता, तो उस समय जो अपने गांव वगैरह से माइग्रेंट आकर के कलकत्ता में सेटल हुए, स्पेशली जो कालीघाट मंदिर है उसके आसपास जो सेटल हुए उन्होंने कालीघाट पेंटिंग्स का निर्माण करना शुरू किया। और वाटर कलर्स जो थे उसका इस्तेमाल किया जाता था मील पेपर के ऊपर ब्रश वगैरह की मदद से, और ये ब्रश जो है वो आपके जो काल थे यानी कि बछड़े और जो गिलहरी के बाल होते थे उसकी मदद से ब्रश का निर्माण किया जाता था और वाटर कलर का इस्तेमाल किया जाता था मिल पेपर के ऊपर और उसकी मदद से कालीघाट पेंटिंग का निर्माण होता था। ये जो पेंटेड फिगर्स थे उसका आप देखोगे कि उसका प्लेग लाइक का इफेक्ट होता था न्यूट्रल बैकग्राउंड के ऊपर और उसके शेडेड कॉन्ट्योर और बहुत ही आर्टिकुलेट मूवमेंट्स को वो डिपेक्ट करते थे कालीघाट पेंटिंग्स में। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो शुरुआत में ये जो पेंटिंग्स थी ना ये आपके रिलीजियस नोट को डिपिक्ट करती थी यानी कि हिंदू देवी देवता
पे आधारित होती थी और ज्यादातर उसके सब्जेक्ट हिंदू देवी देवता की इर्द गिर्द ही घूमते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता तो इन पेंटिंग्स का इस्तेमाल सामाजिक भावनाओं को यानी सोशल सेंटिमेंट्स को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाने लगा कि लोग क्या सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं, उसके हिसाब से पेंटिंग्स बनने लगी और रिलीजियस हिंदू देवी देवता को दिखाने की जगह पे लोगों के सेंटिमेंट्स को दिखाना शुरू कर दिया कालीघाट पेंटर्स ने। फिर कालीघाट पेंटिंग्स को जो है वो दुनिया की या पूरे देश की हम लोग कह सकते हैं कि वो अपने आप में एक बहुत ही खास पेंटिंग है जिसका इस्तेमाल जो मतलब लोगों के सेंटिमेंट्स को दिखाने के लिए किया जाता है और जो उसके कस्टमर्स हैं डायरेक्टली उनके नीड को या उनके इश्यू को एड्रेस करने के लिए किया जाता है। और अगर आप देखोगे कि वर्तमान समय में हम लोग जो विमेन है और मैन उन सभी का रोल चेंज हो गया है और चूंकि विमेन के लिए एजुकेशन इंट्रोड्यूस हो गया है तो अब विमेन का रोमांटिक डिपिक्शन होने लगा है। फिर जो आपके बहुत अमीर है या नए नए अमीर लोग बने हैं उन सभी का सटायरिकल पिक्चर्स वगैरह डिनोट करने जाने लगा है। तो यानी सब्जेक्ट आप देखोगे कि ओवरऑल टाइम के साथ काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है। ठीक है, कालीघाट पेंटिंग में कुछ लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि ये जो पेंटिंग्स है ये ब्रिटिश की जो डिस्टिंक्टिव पेंटिंग स्टाइल है उससे काफी ज्यादा प्रभावित हुई, जबकि दूसरे बिलीव करते थे कि जो फोकस है वो बेसिकली सोशल कंटेक्स्ट पे दिया जाता था और लोकल टेक्निक जो है उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इस स्टाइल की पेंटिंग का। मतलब ऐसा नहीं था कि पूरी तरह से ब्रिटिश इन्फ्लुएंस ही था, खुद की भी एक लोक शैली थी जिसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। इसको डोमिनेंस कब देखने को मिला तो 20th सेंचुरी में हम लोगों ने पाया कि इसका जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और ये एक बहुत ही खूबसूरत सा चित्र है जो कि कालीघाट पेंटिंग के स्टाइल में बनाया गया है। कालीघाट पेंटिंग के बाद अब हम लोग बात करेंगे एक दूसरे पेंटिंग के फॉर्म की जो है पटकार पेंटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ की पेंटिंग है। तो ये पेंटिंग प्रैक्टिस की जाती है या बनाई जाती है झारखंड के ट्राइबल पीपल के द्वारा यानी कि झारखंड के आदिवासी लोगों के द्वारा इसका निर्माण होता है। अब हम लोग पटकार चित्रकलाएं हैं या फिर स्क्रॉल पेंटिंग है, इन्हें भारत का या पूरे देश का कह सकते हैं कि जो बहुत ही पुरानी जो स्कूल है पेंटिंग्स की उसमें से एक इसे माना गया है। यानी ये आज की पेंटिंग नहीं है, ऐसा नहीं इसकी शुरुआत अभी की गई है, कई हजारों साल से लोग इसे बनाते आ रहे हैं। ठीक है, और इसका जो ओल्ड फॉर्म है ना पेंटिंग का उसके एक कल्चरल एसोसिएशन भी, ऐसा माँ मनसा से, माँ मनसा कौन है तो एक बंगाली घर में बहुत ही ज़्यादा पूजा जाता है और माँ मनसा एक बहुत ही पॉपुलर देवी है और इन्हें बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है, उन्हें का बहुत मान सम्मान किया जाता है और कहीं ना कहीं ये जो पटकार पेंटिंग है ऐसा देखा गया है कि वो कल्चरली एसोसिएटेड है माँ मनसा से। ये जो पेंटिंग्स बनाई जाती हैं आप देखोगे कि इसमें जो सोशल और जो रिलीजियस कस्टम्स हैं उससे काफ़ी ज़्यादा ये पेंटिंग्स जुड़ी हुई हैं। इसमें आपको यज्ञ वगैरह करते हुए दिखाया गया है या फिर आर्म्स वगैरह देते हुए दिखाया गया है, तो कुल मिला के ये जो पेंटिंग्स हैं वो सोशल और रिलीजियस कस्टम से जुड़ाव इसमें देखने को मिलता है। इसका कॉमन थीम क्या है, तो ये कॉमन थीम इसमें ये रहता है कि ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि ह्यूमन लाइफ के बाद मतलब डेथ होने के बाद ह्यूमन लाइफ कैसी होती है। सो याद रखिएगा दैट दिस इज द कॉमन थीम ऑफ दिस पेंटिंग कि व्हाट हैपेंस टू ह्यूमन लाइफ पोस्ट डेथ, यानी मरने के बाद मनुष्य के साथ क्या होता है। ये एक एंशिएंट आर्ट है और चूंकि बहुत ज्यादा अभी पॉपुलर नहीं है, लोग इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते, इसके कारण ये समय के हिसाब से डिग्रेड कर रहा है या फिर डिक्लाइन हम लोग कहते हैं कि अब बहुत ही धीरे धीरे करके विलुप्त तो होते जा रहा है, बहुत ज्यादा इस लोगों के द्वारा इसे नहीं बनाया जाते जाने लगा है। ठीक है, तो ये है पटकार पेंटिंग के बारे में। अब पटकार पेंटिंग के बाद हम लोग बात करेंगे कलमकारी पेंटिंग्स की। तो सबसे पहले देखिए कि कलमकारी पेंटिंग, तो ये जो शब्द है कलमकारी ये कलम शब्द से आया है, कलम का मतलब होता है हम लोग जानते हैं पेन। इसका नाम कलमकारी पेंटिंग इसलिए रखा गया है क्योंकि एक पेन के इस्तेमाल से इन पेंटिंग्स को बनाया जाता है। अब ये पेन नॉर्मल पेन नहीं है जिसका कि हम घर पे इस्तेमाल करते हैं, बल्कि ये पेन जो है वो एक शार्प पॉइंटेड बैम्बू होता है और जिसका इस्तेमाल की कलर के फ्लो को रेगुलेट करने के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा कि इसमें पेन नॉर्मल नहीं है बल्कि शार्प पॉइंटेड बैम्बू को पेन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और ये जो शार्प पॉइंटेड बैम्बू है ये कलर के फ्लो को रेगुलेट करने में मदद करता है। फिर जो बेस इस्तेमाल होता है कलमकारी पेंटिंग को बनाने के लिए वो एक सूती वस्त्र होता है, कॉटन फैब्रिक होता है। कलर जो इस्तेमाल होता है वो यूजुअली वेजिटेबल डाइज होता है।
अब इस कला को कहाँ प्रैक्टिस किया जाता है, इसके मेन सेंटर्स क्या है? तो इसके मेन सेंटर्स है आंध्र प्रदेश में जो स्थित है श्री कला हस्ती और मछलीपट्टनम। ये दो जगह है जहाँ पर कलमकारी पेंटिंग्स को काफी ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता है। और जो श्री कला हस्ती के जो आर्टिस्ट है वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे प्यारे वॉल हैंगिंग्स का निर्माण करते हैं। और जो इमेजेस है उसको फ्री हैंड से ड्रॉ किया जाता है, ऐसा नहीं है कि मतलब पर्टिकुलरली ट्रेस वगैरह या लाइन वाइन खींच करके बनाया जाता है, फ्री हैंड खुद से ऐसे ही करके ड्रॉ किया जाता है। और जो इंस्पिरेशन ली जाती है वो हिंदू माइथोलॉजी से, यानी जो हिंदू पौराणिक कथाएं हैं उनसे इंस्पिरेशन लेकर के ये चीजों को ड्रॉ करते हैं और फ्री हैंड से ड्रॉ करते हैं, स्केल वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते। फिर जो टेक्सटाइल्स है जिसमें कि हैंडवर्क होता है वो भी प्रोड्यूस होने लगती है। बहुत सारे कपड़ों पे भी कमलकारी पेंटिंग आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है। बॉलीवुड की बहुत सारी अभिनेत्री और ये सारे लोग भी कमलकारी से जो बनी साड़ियां हैं या फिर कुछ कपड़े हैं वो पहनती हैं। फिर जो मछलीपट्टनम के आर्टिस्ट हैं वो अलग अलग डिजाइन ट्राई करते हैं जिसमें कि कार्टव्हील शामिल है, कमल का फूल हो गया, एनिमल्स हो गया, फ्लावर्स के अलग अलग पैटर्न, पत्तों के अलग अलग पैटर्न, ये सारी स्टाइल मछलीपट्टनम के आर्टिस्ट प्रैक्टिस करते हैं। और ये एक बहुत ही बेहतरीन पेंटिंग है जो कि कलमकारी पेंटिंग का एक उदाहरण है। आप देख के आइडिया लगा सकते हैं अलग अलग पेंटिंग्स को कि कौन सी पेंटिंग किस तरह की दिखती है। कलमकारी पेंटिंग्स के बाद हम लोग बात करेंगे वर्ली पेंटिंग की। तो इसका जो नाम है, कैसे आया नाम, आखिर वर्ली पेंटिंग को वर्ली पेंटिंग क्यों कहते हैं? तो ये जो पेंटिंग है ये उन लोगों के नाम पर रखी गई है इसका नाम, जिन्होंने इस पेंटिंग ट्रेडिशन को आगे बढ़ाया, ठीक है। और ये 2500 से लेकर के 3000 साल पहले की जो पेंटिंग ट्रेडिशन है वहां से इसके नाम को लिया गया। और उस समय के लोग जिन्होंने इस पेंटिंग की शुरुआत की उन्हें वर्ली कहते थे। और ये लोग कहाँ थे, तो गुजरात महाराष्ट्र का जो बॉर्डर है वहां के जो लोग रहते थे उन्हें वर्ली के नाम से जाना जाता था। और उन्हीं लोगों ने इस पेंटिंग को क्रिएट किया था, उन्हीं के थ्रू इस पेंटिंग के ट्रेडिशन को स्टार्ट किया गया था, इसीलिए इस पेंटिंग को कहा जाता है वर्ली पेंटिंग। अब आप ये वर्ली पेंटिंग को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि वर्ली पेंटिंग जो है वो भीमबेटका में जो म्यूरल पेंटिंग आपको देखने को मिलती है, भीमबेटका कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में। तो भीमबेटका प्री हिस्टोरिक पीरियड की पेंटिंग का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। और वहाँ पे जो आप बड़े बड़े चट्टान पे जो पेंटिंग देखेंगे उस पेंटिंग में और वर्ली पेंटिंग में आपको काफी ज्यादा समानता देखने को मिलेगी। ये जो रिचुअलिस्टिक पेंटिंग है इसमें आप देखोगे कि बीच में एक जो चौखट होता है, चौक होता है, और उसके आसपास फिर अलग अलग सीन्स को दिखाया जाता है। बीच में मतलब सर्कुलर पैटर्न होता है, फिर उसके आसपास खेती करते हुए दिखाया जाता है, एनिमल्स होते हैं, ट्रीज होती है, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते लोगों को दिखाया जाता है, मछली करते हुए, शिकार करते हुए। तो इस तरह का एक बेसिकली वर्ली पेंटिंग में चीजें डिपिक्ट की जाती है। फिर गॉडेस के अमोंग क्या दिखाया जाता है, तो जो पालघर जिन्हें की फर्टिलिटी की देवी माना गया है उसे ड्रॉ किया जाता है। और मेल गॉड्स में वैसे स्पिरिट जो कि ह्यूमन फॉर्म ले गए हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। ट्रेडिशनली अगर हम लोग बात करें कि आखिर किस तरीके से वर्ली पेंटिंग बनती आ रही है, तो इस पेंटिंग्स को दीवारों पे किया जाता था, ठीक है। और बहुत ही बेसिक ग्राफिक्स का इस्तेमाल करके, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड शेप का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक ग्राफिक का इस्तेमाल किया, जैसे ट्राइंगल का इस्तेमाल होता है, सर्कल का इस्तेमाल होता है, स्क्वायर का इस्तेमाल करके इन पेंटिंग्स का निर्माण होता है। अब ये पेंटिंग्स की जो शेप है वो कहाँ से लिए गए, तो हम लोग जानते हैं कि चांद या फिर जो सन का शेप होता है वो सर्कुलर होता है, तो वहां से सर्कल का शेप लिया गया। कुछ कुछ आपके कॉनिकल शेप के पत्ते होते हैं तो कॉनिकल शेप के पत्ते भी है, फिर आपके माउंटेन का शेप भी जो है वो कॉनिकल होता है, ट्रायंगुलर शेप में होता है, तो वहां से ट्रायंगल का आइडिया ले लिया। फिर जो एक भूमि होती है, पीस ऑफ लैंड, वहां से आइडिया है स्क्वायर शेप का। तो नेचर से इंस्पायर्ड होकर के तीन बेसिक शेप लिए गए हैं, ठीक है। फिर आप देखोगे कि अगर एक ह्यूमन बीइंग को रिप्रेजेंट करना होगा, अगर एक मानव या फिर किसी जंतु को दिखाना होता है वर्ली पेंटिंग में, तो क्या किया जाता है कि दो ट्रायंगल को जोड़ दिया जाता है और दोनों को आपस में इन्वर्ट करके और ऐसे करके बेसिकली ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। और फिर उसको अगर शरीर उसका बनाना हो या हेड बनाना होता है तो उसे एक सर्कल के जरिए ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। और इस तरह से एक आदमी ड्रॉ हो गया, और फिर अगर हेड है तो नॉर्मल लाइक लाइंस के जरिए, और ये आपका एक मानव तैयार हो गया, ठीक है। इसके अगर बेस की अगर हम लोग बात करें तो इसके बेस को कैसे तैयार किया जाता है, तो मिट्टी का जो शाखाएं हैं, जो गोबर है, इन सभी को आपस में मिक्स करके फिर बेस का तैयार होता है। और ये कुल मिला के एक रेड गेरुआ कलर जो होता है, लाल गेरुआ रंग, उसको प्रदान करते हैं। और अगर पेंटिंग करते हैं, मतलब अगर ये तो एक बेस तैयार हो गया कि बेस जिसपे पेंट करना है, अब जो पेंटिंग एक्चुअली की जाती है उसके लिए हम लोग श्वेत रंग का इस्तेमाल करते हैं, व्हाइट पिगमेंट का इस्तेमाल होता है। और इस व्हाइट पिगमेंट को कैसे तैयार किया जाता है, तो जो चावल का
आटा होता है या चावल पाउडर होता है और गम, इन दोनों के मिक्सचर के जरिए उस व्हाइट पिगमेंट को तैयार किया जाता है और उस व्हाइट पिगमेंट की मदद से वर्ली पेंटिंग को ड्रॉ किया जाता है। अब ये जो वॉल पेंटिंग्स है या बेसिकली जो वर्ली पेंटिंग्स है, ये यूजुअली कब किया जाता है? तो कोई भी जब बहुत ही शुभ अवसर होता है, जैसे अगर हार्वेस्ट हो रहा है या फिर किसी की शादी है, तब इस पेंटिंग को बनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे कि समय के साथ जो वर्ली की पॉपुलैरिटी है वर्ली पेंटिंग की, वो काफी ज्यादा बढ़ गई और इसीलिए अब कपड़ों पे भी और अलग अलग चीजों पे इसका इस्तेमाल होने लगा और बेस के तौर पर रेड रखा जाता है या फिर ब्लैक बैकग्राउंड और उसके ऊपर फिर व्हाइट पोस्टर कलर का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका रेड बैकग्राउंड है और उसके ऊपर व्हाइट कलर का इस्तेमाल करके वर्ली पेंटिंग तैयार किया गया। आप देख सकते हैं कि दो ट्राइंगल है, फिर आपका सर्कल है और लाइन्स, ये सारे एक बेसिक शेप है, बीच में आपका सर्कुलर पैटर्न है, इसी का इस्तेमाल करके वर्ली पेंटिंग को ड्रॉ किया जाता है। सो ये मैंने बातें की आपसे वर्ली पेंटिंग के बारे में, वर्ली चित्रकारी के बारे में। वर्ली चित्रकारी के बाद अब हम लोग बात करेंगे थनका पेंटिंग के बारे में। तो ये जो थनका चित्रकला है, ये बेसिकली जो भारत का स्टेट है सिक्किम, उस राज्य को बिलोंग करता है और जो इसे बहुत ज्यादा, इसे एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ही रिवरेंस के मीडियम के तौर पर इसको शुरुआत इसकी की गई थी और बुद्धिज्म धर्म जो है वो इससे काफी ज्यादा क्लोजली एसोसिएटेड है। ठीक है, तो बुद्धिज्म से इसका काफी रिलेशन है और सिक्किम जो राज्य है भारत का, वहां की एक फोक पेंटिंग है। ट्रेडिशनली इसे जो बौद्ध भिक्षु होते थे ना, उनके द्वारा इसे का निर्माण किया जाता था और जो पर्टिकुलर इथनिक ग्रुप थे उनके द्वारा इसका निर्माण होता था, लेकिन धीरे धीरे ये जो स्किल है ये फ्यूचर जनरेशन यानी आगे आने वाली पीढ़ी को पास किया जाने लगा और अभी वर्तमान समय में तो ये कमर्शलाइज हो गए, इसकी पेंटिंग बिकती भी है और जो भी कमाई होती है, जो भी पैसे अर्न होते हैं थंगटा पेंटिंग को बेच करके, तो इससे न सिर्फ अपनी रोजी रोटी लोग चलाने की कोशिश करते हैं बल्कि जो अलग अलग मोनास्ट्रीज हैं उसको भी मदद करने के लिए इस पेंटिंग के सेल से जो भी पैसे मिलते हैं उसका इस्तेमाल होता है। फिर आप देखोगे कि जो थंगटा है उसको कैसे बनाया जाता है, तो बेस के तौर पर एक कॉटन कैनवास दिया जाता है, यानी बेसिकली वाइट बैकग्राउंड होता है और उसको नेचुरल वेजिटेबल डाई या फिर जो मिनरल डाई से जो पेंट तैयार किए जाते हैं उसके मदद से फिर इसको ड्रॉ किया जाता है। इसमें हर एक रंग का अपना एक खुद का मीनिंग होता है, दे हैव देयर ओन सिग्निफिकेंस। जैसे अगर लाल रंग है तो ये किसी भी चीज के बहुत ही ज्यादा इंटेंसिटी को दिखाता है कि कुछ भी है बहुत इंटेंस है, अगर प्यार है तो बहुत ज्यादा है, अगर नफरत है तो बहुत ज्यादा है, तो किसी भी चीज की इंटेंसिटी को, पैशन की इंटेंसिटी को दिखाने के लिए लाल रंग का इस्तेमाल होता है। अगर सुनहरा रंग दिखा रहे हैं तो वो जिंदगी का, जन्म का प्रतीक होता है। अगर हम सफेद रंग दिखाते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा शांति का प्रतीक होता है। काला रंग गुस्से को दिखाता है, जो हरा रंग है वो आपकी चेतना को दिखाता है, वही जो येलो रंग है यानी पीला रंग है वो आपकी कंपैशन, आपकी करुणा को दिखाता है। और एक बार जब पेंटिंग तैयार हो जाती है फिर सिल्क जो बैरोकेड है, ब्रोकेड, उसकी मदद से, कलरफुल सिल्क बैरोकेड के मदद से उसको फ्रेम कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये थंका पेंटिंग में आपको देखने को मिलेगी ये कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अलावा जो थंका पेंटिंग है उसको तीन टाइप में डिवाइड कर दिया गया है। बेसिकली मैंने आपको बताया ना कि बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स है या फिर कुछ पर्टिकुलर इथनिक ग्रुप, उसके द्वारा इसका निर्माण किया जाता था और अलग अलग सब्जेक्ट होते थे और डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा सब्जेक्ट है, क्या डिपिक्ट किया जा रहा है, उसका मीनिंग क्या है, उसके हिसाब से जो थंका पेंटिंग्स है उसको हम लोग तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। जो सबसे पहली होती है वो भगवान बुद्ध के जन्म से रिलेटेड होती है और किस प्रकार उनका जन्म हुआ और किस प्रकार उन्हें इनलाइटमेंट मिली, किस प्रकार उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसको दिखाती है पहली टाइप की पेंटिंग। जो दूसरी टाइप की पेंटिंग है वो बहुत ज्यादा अब्स्ट्रैक्ट होती है नेचर में और वो भगवान बुद्ध की जो भी फिलोसफी है, जो उनके डेथ और लाइफ से रिलेटेड जो भी उनके बिलीफ है उसको दिखाती है और उसे हम लोग कहते हैं व्हील ऑफ लाइफ। जबकि जो तीसरी तरह की पेंटिंग है वो पेंटिंग्स रिप्रेजेंट करती है कि जो देवी देवता है, भगवान है, उनको क्या हम लोग को चढ़ाना चाहिए, क्या ऑफरिंग करनी चाहिए और मेडिटेशन से रिलेटेड है। तो डिपेंडिंग कि क्या सब्जेक्ट में दिखाया गया है उसके हिसाब से थंगा पेंटिंग को हम लोग तीन भाग में डिवाइड करते हैं। अब ये देखिए, ये जो है वो थंगा पेंटिंग के उदाहरण है, आप देख सकते हैं। थंगा पेंटिंग के बाद अब हम लोग बात करेंगे मंजूसा पेंटिंग की। तो ये जो मंजूसा पेंटिंग है वो बिहार में एक जगह है भागलपुर, तो उस भागलपुर रीजन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही प्रोमिनेंट आर्ट फॉर्म है और मंजूसा पेंटिंग को कई बार अंगिका आर्ट के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर ये जो अंग शब्द है इसका मतलब होता है महाजनपद।
और आप देखेंगे कि कई बार जो स्नेक है, स्नेक का जो पैटर्न होता है ना, उसका इस्तेमाल किया जाता है मंजूसा पेंटिंग में। इसीलिए कई बार मंजूसा पेंटिंग को हम लोग स्नेक पेंटिंग के नाम से भी जानते हैं। सो स्नेक पेंटिंग कहिए, अंगिका आर्ट कहिए, मंजूसा पेंटिंग कहिए, सबका मतलब एक ही होता है। और इस पेंटिंग को कई बार जो जूट या फिर पेपर के जो बक्से होते हैं उस पर इसको बनाया जाता है। ये एक मंजूसा पेंटिंग का उदाहरण है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि भारत में बहुत ही अलग अलग प्रकार के फोक पेंटिंग्स हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने इंडियन पेंटिंग्स को बहुत ही डिटेल्ड वे में कवर किया। मैंने आपके साथ शुरू से मैंने सारी पेंटिंग के प्रिंसिपल्स के बारे में जिक्र किया, उसके बाद हम लोगों ने बात की म्यूरल पेंटिंग्स की, फिर हम लोगों ने मिनिएचर पेंटिंग्स के बारे में बातें की। मिनिएचर पेंटिंग में फिर हम लोगों ने बात की राजपूत शैली के बारे में, उसके अंतर्गत जो पहाड़ी शैली थी और राजपूत स्टाइल ऑफ पेंटिंग है उसके बारे में हम लोगों ने जिक्र किया। हम लोगों ने बात की साउथ इंडिया की मिनिएचर पेंटिंग्स की, उसके और नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में क्या डिफरेंस है, कंपनी पेंटिंग, बाजार पेंटिंग, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, और आज हम लोगों ने डिस्कशन किया पूरे जो इंडिया के इम्पोर्टेंट फोक पेंटिंग्स है उसके बारे में, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, वो किस प्रकार के दिखते हैं इसके बारे में। मैं उम्मीद करती हूँ कि पूरा ये इंडियन पेंटिंग का जो वीडियो लेक्चर है वो आपको पसंद आया होगा। और अब अगर इस टॉपिक से कोई सवाल आएगा तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आप चीज़ें सॉल्व कर पाएंगे। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।